जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया था। अब इस वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे, यानी इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखिए, सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, सिर्फ दो स्थितियाँ होती हैं, उसको आपको लर्न करना है। पहली कंडीशन जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, दूसरी कंडीशन जब वस्तु को अनंत और फोकस के अनंत और दर्पण के पोल के बीच में रखा जाए। तो हमने यहाँ पे पहला लिख दिया, ये हमने डायग्राम से इमेज का मिरर बनाया है, कन्वेक्स मिरर। जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए इसका अनंत है। अब अनंत पे कोई वस्तु होगी तो उसे एक प्रकाश जब आएगा इस तरीके से, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हमने क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी या जाते ही प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पे जाती प्रतीत होती है, यानी कहने का मतलब कंफर्म तो जाएगी नहीं, ये टकरा के इस तरीके से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ना, तभी तो उसका इमेज बनेगा, है कि नहीं? तो ये इधर तो मिलेगी नहीं, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाते ही प्रतीत होगी, ये फोकस से चलेगी, ठीक है ना? एक और प्रकाश ले रहा है इस तरीके से, एक और ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी कैसे जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, तो कहीं मिल तो रही नहीं है, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, अगर पीछे बढ़ा दिया जाएगा तो इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे ये कट कर रही है। वैसे अगर नीचे से अगर एक प्रकाश ले रही है मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, तो ये भी कैसे जाएगी, ये भी चली जाएगी इस तरीके से ऐसे, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाया जाएगा ऐसे करके डॉट डॉट करके, तो इस पॉइंट पे ये मर्ज कर रही है, यानी तीनों लाइनें इसी पॉइंट पर आके मिल रही है, तो यही इसका इमेज बनेगा। तो देखिए, अब इमेज की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी, खुद आप देख के बता सकते हैं यहाँ पे। तो जब प्रकाश आ रही है दर्पण से टकरा रही है तो इसका इमेज फोकस बन रहा है, तो फोकस कैसा बनेगा, पहली बात तो फोकस बनेगा, सॉरी इमेज जो बनेगा यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बनेगा। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज जो है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी यानी वर्चुअल, आभासी और सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे पीछे तथा अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना? यानी जब अनंत वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा, तो इसका फोकस बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये सर तो बन नहीं रहा है, पीछे बन रहा है, पीछे बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, बिल्कुल छोटा बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है ना? आइए, आपको यह समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगली कंडीशन, यानी दूसरी वाली जो स्थिति है। तो देखिए, पहली कंडीशन तो हमने अनंत रख दिया, दूसरी कंडीशन का रंग है, अब इसके बीच में तो कोई बिंदु है नहीं, ये एक अनंत है और एक पोल है, तो इसके बीच में कहीं भी आप रख दीजिए, यानी जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में यानी पोल के बीच में कहीं पर भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम एक वस्तु रख दे रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है? और जब वस्तु रख देंगे तो यहाँ से मान लीजिए एक प्रकाश आएगा इस तरीके से, ऐसे ले लें, ऐसे ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कैसे जाएगा, जब जाएगा इस तरीके से ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इसको पीछे क्यों बढ़ाएंगे इस तरीके से करके, ठीक है? तो जब तक दो या दो से अधिक प्रकाश किरण नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो हमने अभी एक ही लिया है, दूसरे में ले रहे हैं यहां से इसके वक्रता केंद्र से, तो अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आएंगी वक्रता केंद्र से, तो अगर ऐसे आई हैं इस तरीके से तो ऐसे ही वापस हो जाएंगी, लेकिन तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अब इसको हम पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ाएंगे, गलत बन रहा है जी, ये सही नहीं बन रहा है,
यहाँ से, तो इस पॉइंट पे इसने कट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इमेज होगा। तो मान लीजिए हम इसका नाम दे दे रहे हैं, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है यानी बी नीचे, देखो ए ऊपर है तो यहाँ पे ए ऊपर है, तो ए और यानी ए डैश ये बी डैश। तो देखिए जब हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया तो टकरा के तरीके से जब इसको पीछे बढ़ा तो इसके फोकस से होते हुए गई। दूसरी कंडीशन बताया था हमने कि जब वक्रता केंद्र से आती प्रतीत होगी तो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, तो हमने यहाँ से लिया ये वक्रता केंद्र से, यहाँ से अगर देखेंगे तो वक्रता केंद्र से आ रही है और इधर ही से होकर चली जाएगी, तो जब इसको पीछे हमने बढ़ाया है तो इस पॉइंट पर इसने कट गया और ये हमारा इमेज कहलाएगा। तो इसमें हम प्रतिबिंब की जो स्थिति है इसमें क्या लिखा जाएगा, तो देखिए पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस और पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस यानी एफ तथा पी यानी पोल एंड ध्रुव के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा दिख रहा है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, याद रखिए इसमें हमेशा आभासी बनता है, आभासी आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे तथा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए दोनों स्थितियां हो गई, इस स्थिति में क्या था, जब वस्तु का अनंत और पोल के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा है, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। याद रखिए उत्तल दर्पण में हमेशा कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं, बिल्कुल यानी बदलती नहीं। पहला तो ये कि हमेशा जो प्रतिबिंब रहेगा वो आभासी बनेगा, दूसरा हमेशा सीधा बनेगा, तीसरा हमेशा कहीं भी रख दें यानी अनंत को छोड़ के, अनंत पर रखें तो फोकस बनेगा, लेकिन अनंत को छोड़ के कहीं भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच बनेगा, यानी आभासी होना और फोकस और पोल के बीच में बनना और सीधा बनना, ये तीनों बातें एकदम फैक्ट है, यानी ये बदलने वाली नहीं है, यानी सीधा भी बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। तो आई होप आपको यह चीज़ें समझ में आई होगी, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आया होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा बना दिया था, इस वाले में उत्तल दर्पण द्वारा बना दिया, अब इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।